पहाड़ के सामने मिल गया है, अच्छी तरह से गुफा का गुफा इधर देख सकते हो, इसमें रावण का भाई डोकी ये सब रहे। नाम है सर आपका? मेरा नाम रिपोर्टर पत्रकार फल्ला ढेगना लिपोचा। इसमें आज आ चुका हूँ केदारनाथ के मंदिर धाम में, देख सकते हो गाइस। तो जो मेरे जी यार सुन लो, तो कैसे हो भाई? होप मजे में, स्वस्थ हो गए अपने जीवन में। तो भैया आज जा रहे हैं हिरोन अपने इलाके में, अपने धर्म जगह में दशहरा मेला, ठीक है? तो चलो दिखाते हैं रोमल किस तरह से रहता है, किस तरह से दिखाते हैं मेरी जान से जरा मेरे साथ, देख सकते हो इधर है। तो तीन लोडे जा रहे हैं, मतलब हम मेरे साथ चुके साथ। तो चलो चलते हैं बस वहाँ कर दिखाते हैं रोमल इस तरह से डेकोरेशन है। तो चलिए दिखाते हैं का ऑर्केस्ट्रा क्या सब गए। तो भाई हम पहुंच गए एकदम लंकापति राम राजा रावण के पास, इधर देख सकते हो ग्राउंड। चलो दिखाते हैं अगर राय राम। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल पिलियल। लंकापति रावण को इधर देख सकते हो, इतना बड़ा है भैया। तो इसको समझ इसको जलाया जाएगा एकदम बाहर में दशहरे के दिन, ठीक है? तो दो दिन बाकी है, तो उसका हम दिखाएंगे सब जलते हुए नजारों के साथ। तो बने रहे इधर बगल में मीन बाजार, देख सकते हो इस तरह से। चलो चलते हैं मीना बाजार का माहौल और सड़कते उड़ते वीडियो बस बने रहो मेरे यहाँ। तो दिखाते हैं फुलवार में, तो चलो चलते हैं इस तरह से, देख सकते हो तेरा बच्चे लोग को कूदने वाला। स्टेट के सामने तो चलो यहाँ का दिखाते हैं प्रोग्राम। तो भैया एकदम फुलवार में इधर इस तरह से माहौल है, देख सकते हो। चलो माता जी का दर्शन करते हैं इधर, देख यहाँ पर तो बने रहो। यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हो इस तरह से है। जूता खोल कर खुलत करें तो इस तरह से माता जी का दर्शन पंडाल देख सकते हो इधर। तो गाइस तो चलो चलते हैं यहाँ, मतलब माता जी का दर्शन करते हैं इन लोंडे के साथ, दर्शन करेंगे। माता जी का प्रसाद लेते हैं इधर, ले चुका है तो अपन भी लेते हैं माता जी का प्रसाद। झड़का मुनि प्रसाद है भैया, जो भी मिले माता जी का। इधर अंकल दे रहे हैं, चलो भाई तो अपन भी ले लिया मतलब माता जी का प्रसाद। तो चलो एक प्रसाद ग्रहण करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बने रहो आप लोग। तो अब मीना बाजार में एंट्री कर चुके हैं भैया, उल्टे दिशा से, उल्टा आदमी तो उल्टे दिशा से करेंगे ना मेरे भाई। तो चलो यहाँ का माहौल दिखाते हैं एकदम पूरी बार ना, बस बने रहो यार। तो वैसे तो इधर है मतलब लड़की लोग के लिए सामान, हम लोग ने सिंगल कहाँ पाओगे यार। तो
अभी जा रहे हैं बच्चे लोग के लिए झूला झूलने, बच्चे लोग के में, तो चलो चलते हैं इधर अंकल से पूछते हैं कि झूलने झूलने। अंकल अंकल मेरे को झूला यार, बच्चा झूलाओगे अंकल? झूलाओगे कि नहीं यार बता दें। तो अपन आ गए चुके हैं इधर बॉडी बनाने वाला, इधर छपरी लोग डोकी लोग जैसे ले रहे हैं सामान वामान। गाइस से देखो ये क्या है सर, इससे गाड़ी धोते हैं। अच्छा गाड़ी साफ करने वाला। हाँ हाँ अच्छा सेट मिलेगा इधर अंकल? कितने का? कितना कितना पड़ेगा? 3.5। प्राइस कितना? 3.5 भैया बोल रहे हैं 3.5। कितना? 3.5 बोल रहे हैं। हाँ तो इधर है मेरे सब बता रहे हैं 3.5 बोला है, मतलब 100 है कि हजार है 300। आप आई डोंट नो। तो इधर ले रहे हैं क्या सब? ले बोला करके देखिए उपयोग कैसे करते हैं सर? बोर्ड मखून ना इधर है मेरे सब खून ना लगा इधर गणपत जी मतलब उपयोग कर रहे हैं। तो गाइस बने रहो, अब दिखाते हैं दूसरा, ठीक है बने। तो इधर रेल जो कि अपने ससुराल जाने के लिए इधर मतलब बच्चे लोग उधर से रहते हैं मतलब जंपिंग। तो इधर है दुकान सब देख सकते हो इधर मतलब चलकाल भाले में लेडीज लोग के लिए ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता है, हम जैसा सिंगल लोडी नहीं रहता है ब्रो। तो बस बने रहो यार, इधर फिर से जा रहे हैं केदारनाथ का नज़ारा दिखाते हो मतलब दिखाते हैं, चलो बने रहो यार। इधर लोंडे लोग हीरो मतलब लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाई लोग चश्मा ले रहे हैं ब्रो, चश्मा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हाँ तो इधर लेके दिख लेते हैं लोंडे लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं। चश्मा दिखा रहे हैं इधर भैया, चश्मा जोरदार मतलब भैया लड़की सेट हो जाएगा ना इसमें। बस ऐसे चश्मा चाहिए भैया मेरे को जिसमें लड़की सेट हो जाए एकदम प्रॉपर तरह से। सही पकड़े हैं। इधर है चश्मा आईना की तरह। अभी रात चश्मा लगाइए ना क्या मत किया, जैसा दिख रहा हूँ ना जैसा चश्मा देखे नहीं है साले लोग, चश्मा ट्राई कर रहे हैं लेने उन्हें आता नहीं है, सब चश्मा उपयोग कर रहे हैं। एक ही दिखा दे कितना का है? 3,30,000। इधर घड़ी उड़ी है सर, गर्लफ्रेंड के लिए घड़ी मिल जाएगा? अरे वाला इधर है घड़ी, इधर बेल्ट, इधर लाइट जो कि नहीं दिख रहा है आपको। गाइस मैं आज आ चुका हूँ केदारनाथ के मंदिर धाम में। हाँ भाई साहब देख सकते हो गाइस, तो केदारनाथ धाम में आ चुका हूँ, जिंदगी में पहली बार आया हूँ गाइस, पहली बार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बहुत थक गया हूँ, पैसे उसे भी खत्म हो गए, पैसा कौन देगा भाई घर जाने के लिए। तो केदारनाथ देख सकते हो इधर पीछे तरफ, तो बस यार बने रहो अपने ब्लॉग में, कुछ कुछ और रिएक्शन मतलब रिएक्शन दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। इधर पीछे तरफ देख सकते हो केदारनाथ, चलते हैं फोटो शूट के लिए इधर मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कैमरा मैन हट,
खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। तू इधर लूंडे लोग ना फोटो खिंचा रहे इस तरह से देख सकते कैमरामैन इधर है कैमरामैन इधर है चूतिया यहाँ का केदारनाथ माहौल दिखा मतलब नजारा दिखाते हैं एकदम फुलपार में इधर देख सकते हो वैसे तो लोकेशन इधर केदारनाथ एकदम देख सकते हो फुलपार में सिनेमेटिक में दिखाते हैं भैया एकदम बने रहो इधर लाइटिंग के साथ इधर एक खतरनाक लौंडा छपरी जो कि मेरा इधर फोटो शूट के तो गाइस तो देख सकते हो इस तरह से मतलब डेकोरेशन है इधर केदारनाथ जो कि अपने धर्म जयगढ़ में स्थित है जो अभी दुर्गा पंडाल बन सर आपका मेरा नाम रिपोर्टर पत्रकार फल्ला ढेंगना लिबो चांदी जी दौड़ा नहीं जा तो ऐसे देख लो चुके नहीं आज ऐसा पढ़ा है ठीक है पढ़ लिख तो ना तब आई हो चेस बन जाते तेरे मैंने सब ये तो बहुत पढ़ाई कर दिए हैं अभी नेतागिरी में है जो कि कोई चूतिया नहीं जानते अगर आपके पास दौलत है तो आप महान है नहीं तो आप कुत्ते के समान इसको ये तो एकदम चूतिया अच्छा नो 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 पोस्टर को पढ़ रहे अपने इलाके में चूतिया लोग का काम ही नहीं है भाई इधर चूतिया इधर चूतिया सब चूतिया आएगा तो अभी जा रहा है लंकापति रावण सीता चोर को देखने गाइस देखने या कुछ नहीं तो चलो दिखाते हैं आप लोग को भी लंकापति रावण को रावण बोले तो बहुत बड़ा है तो चलो दिखाते हैं मॉल देख सकते पूरा खाली हो गया है धर्मजयगढ़ दशहरा मैदान तो कल परसों एकदम दिवाली वाले ब्लॉग आने वाले इस तरह से है देख सकते हो पूरा जो कि खाली खाली एक चूतिया तो रावण के सामने मिल गया है अच्छी तरह से गुफा गाइस गुफा इधर देख सकते हो इसमें रावण का भाई दोती ये सब रहते हैं ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है ये मेरे साथ तो गाइस घर भी नहीं मिला गाइस हम भी चलते हैं तो गाइस देख सकते हो गाइस गुफा में जाने वाले पर कुछ लोग जलने वाले रहते हैं गाइस तो चलो तो गाइस आज को आप लोग को दिखाने वाला हूँ एकदम लंकापति रावण जो कि हमारे से 10 गुना बड़े हैं तो आइए आज उनका चरण को प्रणाम करते हैं तो आइए हो लंकेश तो रावण लंकापति रावण को आज उसके चरण को छू लेगा तो आज के ब्लॉग को मजा आया तो इस बात पे फेवरेट वाइज कमेंट करना और आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं गुड बाय गाड़ी खा लिया है।